नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूं तो यूट्यूब जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है, यानी कि यूट्यूब के जो नियम है तो जितना ज़्यादा हार्ड होते जा रहे हैं। अगर मैं देखूं तो अगर मोनेटाइजेशन के लिए आप अपने चैनल को अप्लाई करते हैं तो आपके चैनल मोनेटाइजेशन 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में 5 घंटे में 10 घंटे में 12 24 घंटे एक एक दिन में जो है आपके चैनल मोनेटाइज हो जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप काम करते हैं तो मोनेटाइजेशन का चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर बेहतर तरीके से काम करते हैं, बेहतर वे से काम करते हैं, यूट्यूब की सारे नियम सारे रूल्स को अगर आप समझ के काम करते हैं तो फिर आपको मोनेटाइजेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही मोनेटाइजेशन को लेकर डरना पड़ेगा कि भैया क्या पता अगर मैं मेहनत किया और हमारा चैनल ना मोनेटाइज हो तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसा आपको कतई भी डरने की जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है उस पॉलिसी को, उस जो रूल्स है उसको अगर आप बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आज मैं यूट्यूब के न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021 जो अंडर व्यू पॉलिसी 2021 है उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है। अगर आप ये वीडियो को समझ जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि मैं 100% गारंटी देता हूं और मैंने खुद जो है 10-10 चैनल मोनेटाइज किया है और किसी का भी एक दिन से ज्यादा समय नहीं लगा है। हालांकि मेरा खुद का जो टेक्निकल दुनिया था उसमें 3 दिन का लगा था, लेकिन मैंने गलती किया था कि सैटरडे के दिन मैंने अप्लाई कर दिया था, तो शायद सैटरडे संडे छुट्टी होता है, मंडे के दिन लेकिन वो हो गया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और मैंने किसी भी चैनल का रिजेक्शन नहीं झेला है, मैंने हर चैनल को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया है, तो उसकी मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट गिनाने से पहले आपको पॉइंट में बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूंगा, ताकि आप आसानी से समझ पाएं और उसको जो है अपने चैनल पर भी इंप्लीमेंट कर पाएं। लेकिन सबसे पहले उसके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या सर मैं 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरा करता हूं तभी जो है हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई होगा या फिर कुछ और नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कहता है YouTube कि आपका लास्ट 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे दरअसल पूरा होना चाहिए, उसमें आपका यह जानना जरूरी है कि सब्सक्राइबर डजंट मैटर। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सब्सक्राइबर आपका तो 1000 होना चाहिए, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि लास्ट 65 डेज में होना चाहिए, लास्ट 365 डेज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए आप जनवरी तक 1000, मतलब जनवरी से शुरुआत किए चैनल और जनवरी तक में आप जो है 1000 सब्सक्राइबर कर लिए और 3996 घंटा आपने कंप्लीट किया, सपोज एज्यूम कीजिए, तो आपको क्या करना है कि अगले जब आप चेक करेंगे लास्ट 365 डेज का तो उसमें आपका वर्च टाइम जो है घट जाएगा और जो आपका घटेगा वो आगे बढ़ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वर्च टाइम कैलकुलेट होगा, लेकिन आपका सब्सक्राइबर अप डाउन नहीं होता है। 1000 आपका एक बार सब्सक्राइबर हो गया तो आप चाहे दो साल में 3000-4000 घंटे पूरा करें वॉच टाइम, ये मैटर करता है। तो सब्सक्राइबर तो पहला मैटर नहीं करता है आपको, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट 365 डेज में होना चाहिए। आप सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट कर लिए तो आप 2 साल बाद भी वॉच टाइम कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर आपका फिक्स्ड रहता है, सब्सक्राइबर का कोई भी 365 डेज वाला रूल नहीं है, लेकिन ये है कि आपका 1 लाख जो है 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अब आते हैं कि जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से रूल को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है ताकि जब आपका चैनल एडसेंस बनने के बाद रिव्यू में जाए तो आपको एक लॉन्ग समय तक वेट ना करना पड़े और आप कौन सी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो फिर वहीं आप रिजेक्शन हो जाएगा और रिजेक्ट होगा तो फिर वो आप मैसेज आएगा कि क्या दिक्कत है, फिर उसको सुधारिए, 1 महीना और टाइम लीजिए। इससे बेहतर है कि आप बेहतर तरीके से अपने चैनल को एनालाइज कर पाए ताकि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जब आप यूट्यूब के लिए अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो यूट्यूब की जो टीम बैठी रहती है वो आपको चैनल को मैनुअली डिटेक्ट करती है, तो मैनुअली डिटेक्ट करती है तो ऑब्वियसली आपके वीडियोस को देखती होगी, आपके टाइटल्स को देखती होगी, आपके थंबनेल को देखती होगी, आपके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं डीपली देखता होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके चैनल पर फिर मोनेटाइजेशन ऑफ ऑन जो भी उनके पक्ष में होता है वो करते नजर आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सुधारना है, सबसे पहले आपको सुधारना है, पहला जो मेन चीज है वो है आपका मेन थीम। जी हाँ,
मेन थीम कहने का मतलब कि अगर आप कोई मनोरंजन से जुड़ा काम कर रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट से जुड़ा काम कर रहे हैं, आप कॉमेडी से जुड़ा काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स से जुड़ा काम कर रहे हैं, आप जो है टेक्निकल से जुड़ी काम कर रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ी काम कर रहे हैं, न्यूज से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो आपका जो थीम है क्या उस पर आप टिके हुए हैं या फिर जो मन कर रहा है वो डाल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला चीज, आप एक जब भी काम करें तो थीम डिसाइड कर लीजिए कि हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, किस चैनल पे किस प्रकार का काम करना है, ताकि उसी प्रकार का आप काम करें जिसके बाद जो आपकी परसेप्शन यूट्यूब की टीम के पास बने, जो रिव्यू करेंगे तो वो समझ जाए कि आपका जो चैनल है वो कहीं ना कहीं इसी टाइप का है। तो पहली चीज आपको सुधारना है। दूसरी चीज की मोस्ट व्यूड वीडियोस, जी हाँ, जो आपका मोस्ट व्यूज वीडियोस है वो क्या करते हैं कि जो 10 टॉप 5 वीडियोस, टॉप 5 10 वीडियो जो है आप सुधार कर लीजिए, यानी कि आप टॉप वीडियोस देख लीजिए, टॉप 5 10 वीडियोस देख लीजिए जो आपके पॉपुलर अपलोड्स हैं, क्या उसमें कुछ ऐसा बनाया है जो कि दूसरे का हो या फिर कॉपीराइट क्लेम हो, ऐसा कुछ तो नहीं बनाया है, वो 10 वीडियोस को आप जरूर चेक कर लीजिए, और हो सके तो आपका अगर उसमें कुछ लग रहा है कि दिक्कत है तो उसको डिलीट कर दीजिए, हो सकता है आपका कॉपीराइट क्लेम है तो उसको डिलीट कर दीजिए। तो इस प्रकार की चीजें आप मत रखें मोस्ट पॉपुलर अपलोड जो वीडियो होगी, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, आपका कोई चैनल पर कंटेंट आईडी कॉपीराइट क्लेम जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो फिर बेहतर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जो आप नया वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कई लोग होते हैं कि पुराना कुछ डाल दिए या फिर नया कुछ और डाल रहे हैं, तो जो नया वीडियो डाल रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि फेस वैल्यू के साथ काम करें, फेस वैल्यू के साथ साथ आप उसी थीम से जुड़ा काम करें, उसी चीज से रिलेटेड काम करें और साफ सुथरा काम करें, क्योंकि उस पर भी नजर होती है कि भाई आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अब काम क्या कर रहे हैं आप, तो आप उस चीज को सुधार कर रखें, यानी कि जो निवेश वीडियोस होती है उस पर भी आप फोकस करें और उसकर भी बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं परफॉर्म कराएं और उसको बेहतर तरीके का वीडियो बनाएं। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज की बात करूं तो बिग प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है वॉच टाइम, और वॉच टाइम के लिए भी कई सारे नियम हैं कि आप अगर वॉच टाइम यहां से वहां से फ्रॉड तरीके से अगर कलेक्ट करते हैं तो फिर आपका यूट्यूब जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो आपने यूट्यूब पर वॉच टाइम बांटे हैं ना, उस वॉच टाइम के लिए आपको किसी भी प्रकार का लाइक गूगल एडवर्ड्स का या फिर ऐसे कोई तो आपको फेक सहारा नहीं लेना है, आपको जो है बेहतर तरीके से काम करना है, आप ओरिजिनल वॉच टाइम लाइए। ऐसा नहीं कि आप पैसा लगाकर गूगल एडवर्ड्स कैंपेन चलाकर आप जो है उसको कर लिए तो फिर उसमें जो है आपका वॉच टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि आपका कॉपीराइट क्लेम वीडियोस है तो उस पे भी वॉच टाइम आपका कैलकुलेट जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके चलते जो है कॉपीराइट क्लेम के चलते भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तो आपने वॉच टाइम क्या आपने ट्रूली सही तरीके से आपने गेन किया है या फिर इसका कुछ अलग इस्तेमाल किया है, तो इसको भी आपको चेक करना जरूरी है, और हो सके तो अपना जो है ओरिजिनल वॉच टाइम जो है वो कहीं ना कहीं रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अगर मैं पांचवें और अंतिम पॉइंट की बात करूं तो वीडियो मेटा डेटा होता है, और वीडियो मेटा डेटा में ये होता है कि आप अगर वीडियोस किसी और का बना रहे हैं, रैंकिंग करने के लिए किसी और का थंबनेल लगा दिए, किसी और का टाइटल लगा दिए, किसी और का डिस्क्रिप्शन लगा दिए, किसी और का जो है टैग्स लगा दिए, अगर आपने ऐसा गलती किया है तो फिर भैया आप सुधर जाइए, आप उसको सुधार लीजिए, मोस्ट पॉपुलर अपलोड 10 सुधारिए, जो नया नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें 10 का एकदम पूरा का पूरा थंबनेल क्लीन, जो वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग थंबनेल, उसी के अकॉर्डिंग टाइटल, उसी के अकॉर्डिंग टैग, उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग यू हैव टू बी राइट अकॉर्डिंग टू द वीडियो, ठीक है। तो आपको वीडियो के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखनी है, और ये अगर मेटा डेटा आप ऐसा नहीं कि आप किसी और का वीडियो डाल रहे हैं, किसी और का थंबनेल डाल रहे हैं, तो फिर आपके साथ समस्या हो सकती है। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, 5 पॉइंट अगर आप कवर करते हैं, 5 पॉइंट को एकदम ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका चैनल एक दिन, एक दो दिन, तीन दिन, आपको ज्यादा से ज्यादा एक महीने से ज्यादा कभी भी नहीं लग सकता है, और आई एम श्योर 100% कि आपका चैनल एक दिन में, 24 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में जो आप सुनते हैं वो चैनल आपके साथ भी हो जाएगा। और मैंने खुद जो है ये सारी चीजें अपने चैनल के लिए इंप्लीमेंट किया है, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, और ध्यान देने के बाद आप इंप्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, और अगर हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आपकी सारी बातों को ध्यान से सुना था और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इंप्लीमेंट किया था और आज हमारा चैनल मोनेटाइज है। बाकी जानकारी पसंद आए तो फिर लाइक कमेंट शेयर है, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।